हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महक डेली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं के जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। ये देखिए, मेरे पास ये कुछ मटकी का ये था जिसे हम उर्ली भी बोलते हैं, ये रखी हुई थी। तो मैंने इसे देखिए, ब्लू कलर था, मेरे पास एक ही कलर पड़ा था तो मैंने इसे अच्छे से पेंट कर लिया है। और इसको 2 कोट करे हैं मैंने। 1 कोट में कुछ फीका फीका ही दिख रहा था तो 2 कोट कर लिए। कुछ थोड़ी सी चमकी थी तो उसे स्प्रिंकल कर लिया और बहुत अच्छे से हो गया। फिर मैंने, बापू गए थे दुकान पे, उन्हें भेजा था मैंने कि वो 30 रुपीज़ वाले जो कलर आते हैं बच्चों के, वही कलर से मैंने इसे पेंट किया है। कुछ ट्रेडिशनल बनाने की कोशिश की थोड़ी सी। देखिए, ये कुछ स्टार रखे थे इनके प्रोजेक्ट के, मेरे बच्चे के, तो वो कुछ स्टार रखे थे तो ये भी मैंने उसके ऊपर कुछ इस तरीके से मैंने उसे चिपका दिया था, गोल गोल करके राउंड में उर्ली के। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे चिपका दिया था। अंदर से कुछ भी डिज़ाइन नहीं करी थी मैंने, ये ग्लू की क्राफ्टिक ग्लू की हेल्प से मैंने इसे चिपका दिया था। बहुत अच्छे से चिपक जाता है ये। और देखिए, ये कलर कोई भी जनरल शॉप में मिल जाते हैं, 20-30 रुपए के मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते में मेरा ये डाई हो गया है। होम डेकोर का ये पीस बना रही थी मैं, तो देखिए अब कलर आ गए थे तो मैंने येलो कलर से फिर इस पर कुछ डिज़ाइन निकालना शुरू कर दिया। तो मेरे दिमाग में जैसे जैसे डिज़ाइन आते गए उसी तरीके से मैंने निकाला है। और थोड़ा ट्रेडिशनल वे में मुझे बनाना था तो इसीलिए देखिए मैंने पहले लिप की डिज़ाइन निकालना शुरू किया और इस तरीके से मैं धीरे धीरे करते गई। अगर आपके पास टाइम होता आप इसमें बारीक बारीक भी कोई भी डिज़ाइन निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। बस इसे निकाल के थोड़ी देर सूखने देना पड़ता है तो फिर बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से लीफ की डिज़ाइन मैंने बना ली थी अच्छे से। और इसके बाद अभी देखिए मैं करती हूँ इसका अलग अलग कलर से। और आपके पास टाइम है तो आप वो टाइम को इस्तेमाल कीजिए, ना कि इसे वेस्ट कीजिए टाइम। तो ये थोड़ा टाइम मिल जाता है मुझे तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा राउंड में ये कर दी थी। मुझे ना वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बहुत शोर शराबा होता है जब भी। तो अभी मेरी वीडियो में कुछ बैकग्राउंड वॉइस आ रही हो तो इससे आप इग्नोर करिए। और देखिए, अब ये बची हुई जगह थी तो इससे मैंने पिंक कलर से कॉन्ट्रास्ट कलर, येलो का कॉन्ट्रास्ट में मैंने पिंक लिया है और ये पिंक कलर से कुछ इस तरीके से मैंने वी शेप में डिज़ाइन निकाली है उल्टा वी करके। तो ये भी मैंने फटाफट से कर लिया था। ये भी बने बाद ये बहुत अच्छे से मटकी लग रही थी उर्ली। तो अगर आपके पास थोड़ी बड़ी है तो ये भी ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ये उर्ली थी और मैं इसके ऊपर एक मटका लगाने का सोच रही थी तो इस हिसाब से मैंने ये छोटी वाली ली थी उर्ली। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे उर्ली को कलर कर लिया था ये। और दो दो बार करना है हमें, एक बार सिंगल कोट में हमें अच्छा नहीं दिखेगा तो डबल कोट करना है हमें। तो देखिए, पूरे बने बाद कुछ इस तरीके से लग रही थी ये और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये DIY। और देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा आप कमेंट वगैरह करते हैं तो। देखिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आए। देखिए, अरहान भी यहाँ मस्ती कर रहे थे कलर देख के, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है तो ये भी मस्ती कर रहे थे। और अलशान भी बोल रहे थे कि मम्मी मैं भी बनाऊंगा, तो वो भी मेरे साथ साथ ऐसा ही बना रहे थे, येलो कलर का बना रहे थे। मेरे पास ये कुछ बिट्स थे तो ये देखिए, ये ग्लू की हेल्प से मैंने ये इसके ऊपर इस तरीके से चिपका दिया था। और ये बने बाद ना बहुत ही अच्छे से लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि रेडीमेड हमने खरीदे हैं, ना कि बनाए हैं हाथ से, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। तो देखिए, ये मैंने कुछ इस तरीके से चिपका दिए हैं इसके ऊपर। और फिर अरहान मस्ती कर रहे थे तो उन्हें मैंने दूसरे कलर दे दी थी, स्केच कलर दे दी थी। तो ये देखिए, ये उनका वो कलर कर रहे थे और मैं मेरा कर रही थी। देखिए, बने बाद ही इतना सुंदर लग रहा था। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ट्रेडिशनल वे में मैंने बनाया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब बस इसके मटकी का कलर होना बाकी रह गया था, इसे मैंने सूखने के लिए रख दिया था। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। तो देखिए, अभी मैं मटकी को डिज़ाइन करती हूँ। मैंने छोटा सा ही मटका ले लिया था एक, ये देखिए ये छोटा सा ही मटका था, तो इसे मैं डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो थोड़ा मैंने पहले गीला कर दिया था मटके को और फिर बाद में देखिए वाइट इससे मैंने कलर करना शुरू कर दिया था। मैं भी इसमें थोड़ा लीफ शेप में करूँगी, क्योंकि उर्ली पे भी मैंने लीफ शेप में करा है। और देखिए, जैसे मुझसे बनते गया वैसे मैंने डिज़ाइन निकाली। आपको जैसी डिज़ाइन आती है उस तरीके से आप लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो भी इसमें अच्छी दिखेगी।
तो देखिए ऐसे कुछ फ्लावर छोटा वाला ब्रश ले लिया था जो कि यही कलर में आता है, और उसकी हेल्प से मैंने छोटे छोटे फ्लावर इसमें ड्रॉ कर लिए थे। देखिए पूरा बने बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और देखिए अभी इसके ऊपर की देखिए मेरा अलशन भी ये साइड बना रहा था मेरा देख देख कर, और देखिए ऊपर की जगह खाली थी तो मैंने उसमें भी इस तरीके से राउंड राउंड बना दिए थे। और देखिए अब मैं कलर करती हूँ, लीफ की शेप को मैंने ग्रीन से कलर किया था, देखिए ग्रीन और फ्लावर को देखिए, और देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स को मैंने येलो और पिंक कलर से कलर कर दिया था, और देखिए ऊपर के राउंड में मैंने ग्रीन कलर भर दिया था। और फिर मेरे पास पिंक वाले कुछ बीट्स पड़े थे तो उसे भी मैंने फ्लावर्स में और उसके ऊपर के राउंड में मैंने चिपका दिया था। देखिए ये लिप शेप के थे तो ये मैंने लिप शेप के थोड़े से ये थे मेरे पास बीट्स, तो ये भी मैंने इसमें चिपका दिए थे स्टोन्स वगैरह, और ये बने बाद देखिए इतना प्यारा लग रहा था। तो ये देखिए ये पूरा मेरा बन के रेडी हो गया था, तो इस तरीके से बना था, और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये, सिर्फ सूखने में टाइम लगता है। तो मैंने फटाफट से ग्लू गन स्टार्ट कर दी, इसका प्लग लगा दिया है, और ये देखिए उरली के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर इस तरीके से ग्लू से स्टिक कर दूँगी। देखिए स्टिक करे बाद कुछ इस तरीके से लग रहा था, और बहुत ही प्यारा DIY बन चुका था ये हमारा। और ये देखिए ये स्टिक हो गया था, तो मेरे पास जो आर्टिफिशियल फ्लावर थे तो ये मिल जाएंगे आपको 30 या 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे जनरल शॉप में भी। तो ये मेरे पास कुछ पड़े थे तो ये मैंने ग्लू गन से हेल्प से इसे इस तरीके से चिपकाया था मटकी के राउंड पे, तो ये भी चिपकाए बाद बहुत ही अच्छे से लग रहे थे, गोल गोल मैंने इसे चिपका दिया था पूरा, और ये भी बहुत ही अच्छे से लग रहे थे। देखिए चिपकाए बाद पूरा कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और हाँ ये हमारा DIY कुछ 10 से 15 मिनट में बनके रेडी हो जाता है, बस इसे सूखने के लिए टाइम लगता है। तो आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर की कुछ मालाएँ थी मेरे पास रखे, तो ये देखिए ये मैंने इसमें कुछ इस तरीके से लगवाया है, और ये बने बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था DIY, ऐसे लग रहा था कि रेडीमेड हमने शॉप करके लाए हैं। और इसमें लाइटिंग लगाया हुआ तो और चार चांद लग गए। तो यही कुछ ब्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।